खरगोन जिले में खाद्य विभाग ने शहर के कई प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को मानक स्तर का सामान मिलने की मंशा को लेकर खाद्य विभाग ने डेयरी उद्योग सहित सेव भंडार पर छापेमार कार्रवाई करके सैंपलिंग की, जिसमें मुख्य प्रतिष्ठान पीपलवाला सेव भंडार के यहाँ केरोसिन भी जब्त हुआ। इस दौरान खाद्य विभाग अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेची जा रही वस्तुओं का मानक स्तर चेक करने के उद्देश्य से सैंपलिंग की गई, जिसमें खाद्य विभाग अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। इसको एसडीएम महोदय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में खरगोन शहर में फूड एंड सेफ्टी वालों के साथ, राजस्व विभाग के अमले के साथ जितने भी मिलावट संबंधी जो शिकायतें मिली है उनके सैंपलिंग लेने का काम किया जा रहा है। शिव शक्ति डेयरी पर जाकर हमारे द्वारा पनीर का एवं घी का सैंपल लिया गया है। उसी प्रकार से ये फर्म जो है फर्म का से हमने सेव बनाने के जो तेल का उपयोग किया जा रहा है उसका सैंपल लिया है। एक और इसके पास में जो फर्म है वहाँ पर जाकर अभी हमने देखा तो वहाँ पर भी जो तेल सेव बनाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है उसका भी हमारे द्वारा सैंपलिंग करवाया गया है। फूड एंड सेफ्टी वाले हमारे पास जो सोलंकी जी हैं वो मेरे राजस्व निरीक्षक श्री गंद्रे जी पटवारी एवं मेरे ऑफिस के स्टाफ के साथ में ये कार्रवाई की जा रही है। सभी रूप से ये कार्रवाई आगामी त्योहारों को मद्देनजर करते हुए आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आज अभी कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है, आगे और कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त हुए। बेकरियाँ भी इसमें शामिल है और अभी बेकरी की तरफ हम जाएंगे, मोहनता की चौराहे पे तरफ। वहाँ पर अगर हमें इसी प्रकार के कोई बेकरी में अवैध नहीं बोल सकते उसको, ये अमानक वाली जो सामग्री प्राप्त होगी उनका सैंपलिंग किया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.